नमस्कार, मैं हूं डीएसके एंड आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। गाइस, आई एम श्योर आप सब ने बचपन में अपने स्कूलों में एक कहानी पढ़ी होगी, शेर आया वाली। यू नो, एक बच्चा बहुत झूठ बोलता है कि शेर आया, पूरा गांव उसकी मदद करने आ जाता था और यू नो वो बार बार उसका झूठ पकड़ा जाता था, मैंने तो यूं ही बोला था। तो ये जो शेर आया वाला जो किस्सा है ना, ये बिग बॉस मराठी में होता हुआ दिख रहा है। बिग बॉस मराठी में कंटेस्टेंट कितना फेक कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को, यू नो जबरदस्त तरीका ड्रामा कर रहे हैं। आई थिंक पब्लिक को सब दिखाई दे रहा है कि ये लोग कितने फेक हैं, अव्वल नंबर के ड्रामेबाज ये लोग बन चुके हैं। सीजन 2 का जो रिव्यूज मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट वीक में मैंने एक बात कही थी शिवानी को लेकर कि उसका ट्रस्ट का एक इश्यू होगा क्योंकि वो ट्रस्ट वर्दी बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता था कि शिवानी के साथ साथ इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ जाएंगे, रूपाली, नेहा और वैशाली जी, जिनसे उम्मीद नहीं थी वो भी इसी लिस्ट में है। किशोरी जी सीनियर एक्ट्रेस है, वो भी इस लिस्ट में आ चुकी है। तो ये चार पांच फीमेल जो हैं, शिवानी, नेहा, रूपाली, वैशाली, वीणा, किशोरी जी, ये बहुत ज्यादा फेक हरकतें कर रहे हैं और यू नो ऑन कैमरा हमको सबको दिखाई दे रहा है। देखना इंटरेस्टिंग होगा महेश मांजरेकर साहब इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं नहीं कि आप लोग कितना फेक हो। इस एपिसोड में ये जो चोर पुलिस वाला टास्क चल रहा था वो कंटिन्यू चल रहा था। यहां एक चीज जो मुझे देखने में अच्छी लगी वो थी शिव का पलटवार। जिस तरीके से ये जो फेक फेमिनिज्म की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं नेहा, शिवानी, रूपाली, वीणा, आपने देखा इस एपिसोड में कि कैसे शिवानी भाग कर गई थी एंड शिव को पीछे से पकड़ लिया था। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर शिवानी के साथ शिव ऐसा करता, हाय तो वह मच जाती, सोशल मीडिया में आग लग जाती और एंड बिग बॉस मराठी हाउस के अंदर सारी फीमेल्स एक आवाज में आवाज ऊपर बुलंद करके बोलती, तेरी हिम्मत कैसी मेरे को इधर से पकड़ने की, मेरे कपड़े पकड़ने की, मेरा कपड़ा पकड़ के खींचने की, साबित क्या करना चाहता है साले ठरकी, तेरे घर में मां बहन नहीं है क्या, अपनी मां बहन के साथ ऐसी बिहेव करता है क्या। ऐसा ही कुछ होता शिव के साथ। तो वो शिव जिसको महेश मांजरेकर एक मंद बुद्धि, बैल बुद्धि, एक ट्यूबलाइट साबित कर रहे थे, उस शिव ने यहां पर बड़ी मैच्योरिटी के साथ बिहेव किया और अपनी बातों से शिवानी की बोलती बंद कर दी है। शिवानी उसको मंद बुद्धि बोल रही है, उसको घमंडी और पता नहीं क्या क्या उसने बोला था। शिव ने बड़े तरीके से जवाब दिया उसको, अपना एटीट्यूड, अपना घमंड अपने घर जाके रखना पागल लड़की, और नेहा की भी बोलती बंद कर दी थी शिव ने। तो शिव को यहां मैं फुल मार्क दूंगा। शिव को मैंने फर्स्ट वीक में भी बोला था वो स्लो एंड स्टेडी, वेट एंड वॉच वाले मोड में चल रहा है, रोडीज करके आया हुआ है बंदा, लेकिन जितने हम रोडीज देख चुके हैं बिग बॉस में ये काफी अलग लग रहा है। बाकी जो रोडीज आते थे बिग बॉस में बहुत शोशाबाजी करते थे, लेकिन ये कूल, काम, कंपोज्ड माइंड से आगे बढ़ रहा है। तो शिव लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें कहीं कोई शक की बात ही नहीं है। शिव ने यहां बढ़िया तरीके से शिवानी, नेहा की बोलती बंद करी। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट इस घर में कोई तो है मर्द जो इन फेक फेमिनिज्म की ब्रांड एम्बेसडर की बोलती बंद कर सकता है। एनीवे, ये चोर पुलिस वाला टास्क चलता रहा जिसमें घर वाले अपनी मनमर्जी से टास्क कर रहे थे, बिग बॉस को इंटरफेयर करना ही पड़ा, जबरदस्ती का फिजिकल होना, जबरदस्ती में स्ट्रेटजी के नाम पर कुछ भी करना, पर्सनल चीजें छीन छीन के लेके जाना, इधर उधर गुत्थम गुत्था होना। तो बिग बॉस के इंटरफेयर करने के बाद घर वालों के दिमाग की बत्ती जली, टास्क को जैसे तैसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वैशाली जी जो कि थी पुलिस ग्रुप में लेकिन हेल्प कर रही थी चोरों की, यहां पर ये चीज बिग बॉस सीजन 1 से रिपीट हुई है। वहां आस्ताद काले भी था, वो पानी वाले टास्क में था, वो पुष्कर एंड मेगा सही की टीम में, लेकिन खेल रहा था दूसरी टीम में सुशांत एंड बाकी जो रेशम की टीम थी उनके साइड से। तो यहां देखना इंटरेस्टिंग होगा महेश मांजरेकर इस चीज को हाईलाइट करते हैं या नहीं, क्योंकि ये विश्वासघात जो वैशाली जी कर रही थी अपनी टीम के साथ, उम्मीद तो नहीं थी कि वो ऐसा करेंगी, लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, वी डोंट नो। यहां शायद वो टास्क के बीच में भी ग्रुपिज्म लेकर के आ रही हो, क्योंकि इस टीम में वैशाली जी की टीम में पराग भी है और पराग से उनका 36 का आंकड़ा है, वीना भी इस टीम में 36 का आंकड़ा है, रूपाली भी इस टीम में है, उनसे भी वैशाली जी का 36 का आंकड़ा हो ही रहा है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो अपनी पर्सनल खुन्नस के चक्कर में अपनी टीम का बेड़ा गर्क करने पर तुली है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप भी बताइएगा। ये टास्क, भागम दौड़ी, गुत्थम गुत्था, ये सब वो सब चलता रहा। यह एक बात तो है कि सारे लोग अपना यू नो गुत्थम गुत्था इसमें थे। नेहा के बारे में भले ही मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन इस टास्क में उसने जो उसका एक काम था कि भाई मुझे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, तो वो तो काम अच्छे से कर ही रही थी कि कुछ भी हो, 50 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 10, 20, कैसे भी करके वो पॉइंट्स इकट्ठे करती जा रही थी, क्योंकि इवेंचुअली होगा ये कि जिस टीम के पास ज्यादा पॉइंट होंगे वो टीम ही विनर मानी जाएगी। तो नेहा यहां पर अपना जो काम था भले ही चीखे चिल्लाए ये वो दुनिया भर का, लेकिन वो उसका काम वो बखूबी कर रही थी कि पॉइंट्स जितना हो सके इकट्ठा करो, निगोशिएट करो, बार्गेनिंग करो, कुछ भी करो, पॉइंट्स इकट्ठे करो, जो कि वो कर रही थी। एनीवे यही सब चलता रहा। इसके बाद हमने देखा मेकअप किट के लिए
किशोरी जी का रोना, किशोरी जी का रोना कुछ हद तक तो ऑथेंटिक लग रहा था, लेकिन जब बाद में बिग बॉस ने वॉइस ओवर दिया कि ये सब नाटक हो रहा है, इमोशनल अत्याचार हो रहा है, ऐसा ही इमोशनल अत्याचार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड में देखा रूपाली का भी, जो अभिजीत बिचुकले के सामने ड्रामा कर रही थी, नाटक कर रही थी, इमोशनल कार्ड खेल रही थी। और अभिजीत बिचुकले या तो बहुत दिल का साफ है, बहुत इनोसेंट है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये तो हमें वक्त में आने पर पता चलेगा कि वो कितना स्मार्ट है, लेकिन फिलहाल तो दिखाई दे रहा है कि वो दिल का बहुत ही भावुक इंसान है, इनोसेंट इंसान है, उसको घर का एक एक मेंबर यूज कर रहा है। जिस तरह वीक वन से शिवानी अभिजीत बिचुकले को बहुत बुरा भला बोलती है, ठोकरा वर्ड का इश्यू बना दुनिया भर का किया, इसके बाद भी अभिजीत बिचुकले उसके साथ रहता है, उसकी बात मानता है। तो रूपाली जो कि चांडाल चौकड़ी का ही एक हिस्सा है, ये जो चार चांडाल चौकड़ी मैंने बोला, शिवानी, नेहा, रूपाली एंड वीना, अब क्या कि रूपाली इतनी कोई बेवकूफ तो है नहीं, उसे अच्छे से पता है कि इमोशनल फूल किसी को इजीली बनाया जा सकता है, तो वो है मिस्टर बिचुकले। मिस्टर बिचुकले के सामने वो अपना फैमिली, अपना लाइफ, अपने पेरेंट्स के लिए शो जीतना, पैसे की बातें, ये सब बातें, एंड बिचुकले साहब ने बगैर एक सेकंड वेस्ट करे ऑफर कर दिया कि भैया मैं तेरी मदद करूंगा, जो भी मैं कर सकूंगा डेफिनेटली करूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा, बिचुकले साहब एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं या क्या है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये बंदा पब्लिक का दिल तो जीत रहा है, क्योंकि जो लड़कियां बिचुकले की एक एक चीज को टारगेट करती हैं, उसको बहुत सुनाती हैं, वही बिचुकले एक क्षण भी नहीं सोचता और डायरेक्टली ऑफर कर देता है कि मैं तुझे पैसे से भी हेल्प करूंगा, वादा कर देता है ऑन कैमरा, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब ये कहने की मुझे जरूरत है ही नहीं कि मिस्टर बिचुकले इज विनिंग हार्ट्स, वो दिल जीत रहा है और वो हक से दिल जीत रहा है पब्लिक का, इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। शक इस बात में भी नहीं है कि शिव भी लंबी रेस का घोड़ा है, वो भी दिल जीतने वाले काम कर रहा है। शिव को अभिजीत खेलकर भी बात बीच में बोलता है कि भाई तो क्या करा तू, अपने लिए भी खेल, तो शिव क्या है कि वो सुन रहा है सबकी, लेकिन वो करेगा अपने मन की, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीक में कहा था, वो वेट एंड वॉच वाले मोड में चल रहा है, लेकिन इतना भी वो डंब नहीं है, इतना भी वो बेवकूफ नहीं है कि घर वाले उसको उल्लू बना सके, उसको मुंह पर जवाब देना आता है, इस एपिसोड में उसने साबित करके भी दिखाया। कहीं ना कहीं महेश मांजरेकर का जो प्लान था शिव को मंदबुद्धि साबित करने का, ताकि शिवानी, ए शिवानी, शिवानी आई वांट टू सी यू एंड फिनाले, आहा, ऐसी उंगली ऐसे ऐसे करके महेश मांजरेकर ने जो मंदबुद्धि साबित करने की कोशिश की थी, शिवानी ने उसी ट्रैक को पकड़ के शिव को मंदबुद्धि बोला, लेकिन शिव तो शिव भाई, शिव ने बोलती बंद कर दी। एनीवे, इस दौरान एक बात हमने देखी, जो रोमांटिक एंगल, गुच्छी-गुच्छी वाले एंगल जो क्रिएट हो रहा था पराग एंड रूपाली के बीच में, वो एक सीढ़ी और चढ़ा जब आधी रात 12 बजे बात कर रहे हैं दोनों बीच में गार्डन एरिया में बैठकर, बात कर रहे हैं नॉर्मल, लेकिन ये पराग साहब बीच बीच में, कैन आई हग यू, Oh, so you want me to hug you? Okay, you want me to hug you in kitchen? तो बार बार वो हग 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 हग, जैसे जैसे लास्ट ईयर सही लोको रेंट पुष्कर का पुष्की 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 हग ना पुष्की हग मी, तो ये हग हग वाला चालीसा यहाँ पर भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी ये लोग हो सकता है कि हग लेना, किस करना एंड कोजी कोजी गुचिपू स्टार्ट हो भी जाएगा। वी नेवर नो, फुटेज के लिए, फ्रेम में आने के लिए ये लोग किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। पराग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फुटेज में आने के लिए, फ्रेम में आने के लिए शिवानी, रूपाली, बीना ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हमें दिखाई दे गया है। किशोरी जी से उम्मीद नहीं थी कि वो मेकअप के लिए इतना ड्रामा करेंगी, नाटक करेंगी, लेकिन उन्होंने भी जिस तरह से फेक आंसू, घड़ियाली मगरमच्छी आंसू जो बहाए हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन तो बनता ही है। अब देखेंगे कल के एपिसोड में जब रोल रिवर्सल होंगे, वीणा जो कि बहुत डेढ़ शाणी बन रही है, उसे पता है कि कल हम लोग को चोर बनना पड़ेगा, तो वो पहले से ही सामान चुराने के मोड में है और बिग बॉस ने ये चीज पहले ही देख ली है। अब देखेंगे कल के एपिसोड में कि क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे एक बात जो कि यहां हाईलाइट करना चाहूंगा मैं, बिग बॉस 12 में एडिटिंग बड़ी दोयम दर्जे की थी, थर्ड क्लास थी। हमने कल प्रोमो में देखा था जहां पर कि किशोरी जी साइको बोल रही हैं इसको, शिवानी को, एंड शिवानी भी बड़ बोली बन के होगी, वो सेलिब्रिटी होगी, एक्ट्रेस होगी किशोरी अपने घर की। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस 12 की जो एडिटिंग टीम थी, एडिटिंग स्टाफ था, वो पूरा पूरा स्टाफ इन लोगों ने कलर्स मराठी में बिठा दिया है। प्रोमो में दिखा कुछ, एपिसोड में सीन बटा दो, क्यों? अरे मेरी शिवानी है, मेरी शिवानी मुझे फाइनल में मांगती है क्या? अरे शिवानी की इतनी नेगेटिव इमेज दिखाओगे ऐसा नहीं चलेगा। महेश मांजरेकर ने फोन किया होगा, ए भाई क्या कर रहे हो यार, शिवानी की इमेज कचरा हो जाएगी, शिवानी की मेरे को फाइनल में मांगती है क्या, हटाओ ये सीन एपिसोड से, हटा दिया। तो ये जो दोयम दर्जे की और थर्ड क्लास टाइप की एडिटिंग हो, ये जो प्रोमो में दिखाना कुछ एपिसोड में वो सीन ही गायब कर देना,
क्या साबित करना चाहते हो महेश मांजरेकर साहब? पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। सो इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। इस एपिसोड में शिव बहुत अच्छा लगा मुझे, और अभिजीत बिचुकले तो फिर अच्छा लगता ही है, क्योंकि उसने अब तक ऐसा कोई काम किया नहीं है कि उससे मुझे नफरत हो जाए या वो मुझे पसंद ना आए। वो दिल का बहुत नेक इंसान है, वो हर एपिसोड में ये बात साबित कर रहा है। शिव भी इतना बेवकूफ नहीं है, इतना डंप नहीं है, शिव बहुत सुलझा हुआ इंसान है, जिसको कि जबरदस्ती में ये लोग पागल इडियट या डंप करार देने पर तुले हुए हैं। और जो एक्चुअली में डंप है, बेवकूफ है, घमंडी है, वो मेरा फेवरेट है, मैं फाइनल में लेके जाऊंगा। आप बताइए कमेंट करके आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ये जो टास्क में गुत्ता गुत्ता अपना खुद का दिमाग लगाना, कुछ भी करते जाना और रोना जबरदस्ती में, क्या आपको ये चीजें किसी भी एंगल से जस्टिफाइड लगती है? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा डीएसके टॉक्स। थैंक यू सो मच।